close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hi guys, welcome back to my channel, Makeup Lover Sejal. My name is Sejal. और आज है महाशिवरात्रि. So हर हर महादेव. And guys, आज सुबह से मेरा fast है. So आपको मेरा face थोड़ा सा dull लग रहा होगा. Plus मुझे थोड़ी भी ताकत नहीं है कि मैं एक बात कर सकूँ. I'm feeling very breathless. But then I thought ये video बनाना ज़रूरी है. Because छोड़ो, आप लोग काफी दिनों से मुझे बोल रहे हो कि सेलेक्ट कॉस्ट का रिव्यू बनाओ, सेलेक्ट कॉस्ट का वीडियो बनाओ. बट गाइज, बिना मुझे प्रोडक्ट्स मिले मैं कैसे रिव्यू बना सकती हूँ? मैं क्या रिव्यू दूंगी उनके बारे में? हाँ, ऑफकोर्स उनके ऐप के बारे में आपको थोड़ा कुछ बता दूंगी. सो आज वही सब आपको बताने के लिए मैं आई हूँ. स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अब तक नहीं किया हो तो. मेरी सारी यूजफुल वीडियोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वो चेक कर सकते हो. बेल बटन को क्लिक कर लेना ताकि आप सबको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सेलेक्ट कॉस्ट का आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारा वीडियोस तो देखा ही होगा यूट्यूब पर. सेलेक्ट कॉस्ट ऐप ऐसा है जो क्लब फैक्ट्री के कंपटीशन में या आप अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह के बोल सकते. कुछ दिन पहले तो इस ऐप के बारे में बहुत ज्यादा हाइप हुआ था. लाइक वन मंथ अभी हुआ है, डेढ़ महीने हुए हैं, बहुत ज्यादा इसके बारे में हाइप हुआ था. तो या फिर मैंने भी वो ऐप इंस्टॉल किया प्ले स्टोर से. एंड जब मैंने वो ऐप को देखा, यू हैव टू रजिस्टर समथिंग लाइक दैट, वो सब तो बहुत इजी स्टेप्स है, वो सब बताने की जरूरत नहीं है इस वीडियो में. सो जब मैंने वो ऐप को देखा तो सब प्राइजेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा लो थे, हद से ज्यादा ही लो थे. लाइक अनबिलीवेबल प्राइजेस थे. बट या इतना हाइप हो गया था कि ये है वो है एंड ऑल दैट. सो मैंने चलो सब कुछ अपने कार्ट में डाल लिया. फिर जैसे ही मैं उसको चेकआउट करने गई तो उनका ऐसा था कि 26th of February से कुछ तो चालू होने वाला है उनका सेलिंग वगैरह एंड ऑल दैट थिंग. सो मैंने आई वाज लाइक ठीक है कुछ होगा बिकॉज दे वर हैविंग देयर चाइनीज फेस्टिवल और समथिंग. सो उसके वजह से तो मैंने बोला ओके फाइन. तो मैंने बहुत कुछ चीज़ें अपने कार्ट में ऐड करके रखा था. सो ऑलमोस्ट वो प्राइस कुछ 800-900 हो रहा था आफ्टर बींग सो मच डिस्काउंटेड. लाइक मैंने बहुत चीज़ें ऐड कर दिए था. उसके बाद गाइस 26th को जैसे ही उनका सेल ऑन हुआ, ऑफकोर्स सेलेक्ट कॉस्ट ऐप पर गई और मैंने उसे चेकआउट करने गई. जैसे ही मैंने अपना कार्ड देखा तो मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स तो स्टॉक आउट हो चुके थे. लाइक अनबिलीवेबल. लाइक आज ही इन्होंने सेलिंग चालू किया एंड इट इज लाइक स्टॉक आउट. आई डोंट नो बिकॉज मेरे भी कार्ट में था. सो या मे बी लोग ने पहले चेकआउट कर लिया होगा, मैंने लेट थोड़ा किया होगा. तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो लाइक आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. लाइक बहुत सारे क्लोथिंग प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. एंड देन बाद में जब मैंने चेकआउट करने गए तो तभी मेरे प्रोडक्ट के प्राइजेस कुछ 515 समथिंग कुछ तो था, 500 के थोड़े से ज़्यादा ही था. जैसे ही मैंने चेकआउट किया, लाइक जब मैंने प्रोसीड किया कंटिन्यू किया, मेरे प्राइसेस के रेट हो गए ट्रिपल. लाइक 500 था, इट वेंट टू 1400 समथिंग समथिंग. लाइक ऑलमोस्ट 1500 पकड़ो या 1400 ही पकड़ो. सो इट वेंट ट्रिपल द प्राइस. सो आई वाज लाइक शिट, व्हाट जस्ट हैपेंड. काफ़ी लोग ने मुझे ये भी बोला कि ये सिर्फ ब्लॉगर्स यूट्यूबर्स को भेज रहे हैं ताकि वो लोग तो इनका हाइप क्रिएट कर दे, सब इनका ऐप डाउनलोड कर ले तो इन्हें पैसे वैसे मिल जाए एंड ऑल दैट. सब बहुत लोग ने सी बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलता है. सो ये सब मैंने सुना था. तो जब मेरे साथ ये हुआ कि इट वेंट थ्राइस द प्राइस, सो आई वाज लाइक शिट, इज इट रियली अ फेक और समथिंग लाइक दैट. मेरे क्वेश्चन आने लगे मेरे मन में. सो जब आई वाज लाइक ठीक है, उसमें लिखा हुआ था इफ यू कंपेयर विद सम अदर लाइक एप्स और समथिंग लाइक क्लब फैक्ट्री ऑफ सम अदर, तो दिस प्राइसेज आर स्टिल लेस एंड ऑल दैट. ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसमें, शिपमेंट फी एंड ऑल दैट. सो आई जस्ट टेल यू, आई जस्ट सी इन माई फोन, आई जस्ट टुक द स्क्रीनशॉट. गाइज, उन्होंने बोला था कि दे आर नॉट गन अ चार्ज एनी एडवर्टाइजिंग फी और समथिंग. आई डोंट नो व्हाट्स एडवर्टाइजिंग फी, बट उसमें क्लियरली लिखा था दैट दे आर नॉट गन अ चार्ज एनी एडवर्टाइजिंग फी. बट आई विल टेल यू वो लोग ने क्या क्या चार्ज किया मुझे, प्लस आई पुट द स्क्रीनशॉट ओवर हियर. सो गुड्स अमाउंट मेरा हुआ था 519 रुपीज एंड शिपिंग फी उन्होंने मुझसे 390 रुपीज लिया है. सीओडी फी क्योंकि मुझे बिकॉज आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रस्टेड और नो, आई सीरियसली डोंट नो. तो मैं कुछ भी अपना वर्डिक्ट देना नहीं चाहती हूँ कि इट्स फेक और इट्स रियल और समथिंग लाइक दैट. सो मैंने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया फिर उसे. कैश ऑन डिलीवरी के बाद दे आर टेकिंग 45 रुपीज एक्स्ट्रा. सो आई वॉज लाइक फाइन, आई विल पे 45 नाउ, इट्स फाइन. बट देन 1500 एक साथ देने के बाद 1500 एक साथ आई कैन नॉट गिव. सो वो हुआ. देन दे आर ऑल्सो टेकिंग रिटर्न सर्विस फी, दैट इज 40 रुपीज. उसके बाद वो लोग लेते हैं एडवर्टाइजिंग फी, विच दे क्लियरली टोल्ड कि वो फ्री है, वहाँ पर लिखा था बिफोर चेकिंग आउट. सो दे टुक एडवर्टाइजिंग फी, दैट इज 52 रुपीज. आई नो 52 इज वेरी लेस, जो 1500 का बंदा ऑर्डर कर रहा है 52 तो कुछ नहीं है. बट स्टिल अगर आपने फ्री लिखा है, आई विश आई कुड हैव टेकन दैट स्क्रीनशॉट, तो मैं आपको दिखा सकती. सो लिखा था, बट देन उन्होंने वो भी चार्ज किया. एंड देन उसके बाद टैक्स लगा है 401 रुपीज़ का. तो कुल मिला के
1448 होता है मेरा बिल, बट मैंने 45 क्योंकि आपको पे करना ही पड़ेगा पेमेंट, इट इज नेसेसरी. सो अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ले रहे हो तो इट इज कंपल्सरी कि आपको सीओडी फी देना ही पड़ेगा उनको 45 रुपीज, जो मैंने पेटीएम के थ्रू उनको पे किया. एंड देन मेरा पेमेंट बचा है 1403 का वगैरह वगैरह. सो भैया ने सो मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया था 26th of Feb को एंड आज है 4th of March. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके तरफ से तो कोई भी ईमेल या ऐसा कुछ भी नहीं आया, लाइक दैट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय शिपमेंट एंड एवरीथिंग. दे वर लाइक हम 4-5 days में शिप कर देते हैं, बट आई थिंक इट्स बीन मोर देन अ वीक और समथिंग, बिकॉज 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, या. बट देन एक्चुअली वो स्टेटस में रहना तो चाहिए कि दे आर पैकिंग इट और समथिंग और समथिंग. स्टेटस में सिर्फ अगर स्टेटस देखेंगे तो स्टेटस में दिखाता है अनपेड, दूसरा स्टेटस देखेंगे तो सीओडी कंफर्म्ड यही दिखाता है. बट देन आगे का क्या, इज इट इन प्रोसेस और इज इट इन ट्रांजिट, आई डोंट नो वॉट, ऐसा कुछ भी स्टेटस उनके तरफ से ना मुझे पता चल रहा है. एंड आई डोंट नो वे माई प्रोडक्ट्स आर एंड मेरा 45 रुपीज, मैंने 45 रुपीज सीओडी फी तो पे कर दिया, मुझे पता नहीं मेरे प्रोडक्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे. सो दिस इज द करंट स्टेटस ऑफ माई सेलेक्ट कॉस्ट ऐप एंड सेलेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट्स विच आई हैव ऑर्डर्ड. सो आप सबको जानना था सेलेक्ट कॉस्ट का वीडियो बनाओ, बट मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट्स ही नहीं है तो मैं कहाँ से बनाऊँ. सो इसलिए आई वॉज वेटिंग फॉर अ वाइल कि चलो मैंने प्लेस कर दिया है, स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं है या उनके तरफ से रिव्यू के लिए भी मैंने नहीं लिया है. आई डोंट, चलो आई विल मेक माई रिव्यू एंड एवरीथिंग, बट आई डोंट नो अबाउट द स्टेटस ऑफ माई प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग. सो या दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर. सो आई डोंट नो वट्स हैपनिंग एंड एवरीथिंग. सो डू लेट मी नो अगर आप लोग ने भी कुछ ऑर्डर प्लेस किया है कि नहीं. बट दैट वॉज रियली सरप्राइजिंग कि फर्स्ट तो दे आर शोइंग की 500 एंड देन चेक आउट लाइक आफ्टर कंटिन्यूइंग इट्स थ्राइज द प्राइस द प्रोडक्ट यू आर टेकिंग. सो इट मेक्स नो सेंस. एंड इनफैक्ट मैं और 500 ज़्यादा देकर मैं क्लब फैक्ट्री या फिर दूसरे ऐप से ले लूँगी विच इज़ ट्रस्टेड वंस. इट्स माई थॉट इन माई ओपिनियन. आई डोंट नो उनके प्रोडक्ट आने के बाद वेदर माई थॉट्स विल चेंज हो नो, वो तो डिपेंड करता है. बट या दैट्स माई थॉट राइट नाउ. इसलिए मैंने कैश ऑन डिलीवरी वगैरह लिया है ताकि अगर जाए भी जाए तो 45 रुपीज़ ही जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं नुकसान होगा मेरा. सो या दैट्स इट अबाउट सेलेक्ट कॉस्ट ऐप एंड एवरीथिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड subscribe if you haven't already and give this video a big thumbs up if you have liked it, my information and everything. There's nothing to like in this video, it's just an informative video on current status about my select cost app. So yeah, that's it. I'll see you in my next video. Till then, take care and be happy. Bye bye.